हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शालू किचन में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक और नई रेसिपी। आप देख सकते हैं कितना अच्छा और स्पॉन्जी फ्रूट केक मैंने ये बनाया है। तो आज मैं आपको अपनी आसान रेसिपी से इसे बनाना सिखाऊंगी। आप देख सकते हैं कितना अच्छा फ्रूट केक मैंने बनाया है। तो आज मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको भी बनाना सिखाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं फ्रूट केक बनाना। मैंने ये वेट मशीन ली है जिससे मैंने बराबर बराबर सारी चीज़ों को वेट कर लिया है। सबसे पहले मैंने लिया है ये मैदा, और मैंने ये 180 ग्राम मैदा लिया है। सबसे पहले मैं 180 ग्राम मैदा ले रही हूँ। उसके बाद मैंने 180 ग्राम ही विदाउट सॉल्टेड बटर लिया है, और 180 ग्राम ही मैंने ली है पिसी हुई चीनी। और 180 ग्राम मैदा के लिए मैंने लिए हैं ये 4 अंडे। सब चीज़ इसमें बराबर बराबर ही गिरेगी। उसके बाद मैंने ली है ये टूटी फ्रूटी और कुछ कटे हुए बादाम। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें 1/2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, उसमें मैं ये थोड़ी थोड़ी पिसी हुई चीनी डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी मक्खन के साथ। सारी चीनी आपको एक साथ नहीं डालनी है। तो आप देख सकते हैं मक्खन को मैंने मेल्ट कर लिया है। थोड़ा सा इसमें मैं मक्खन ऐड करूँगी और इसे अच्छी तरह मिक्स करूँगी। थोड़ा थोड़ा मक्खन और थोड़ी थोड़ी चीनी डालकर आपको इसे 10 से 15 मिनट तक मिक्स करना है, जब तक ये क्रीमी ना बन जाए और इसमें हवा ना भर जाए। तो आपको यहाँ थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। तो 10 से 15 मिनट तक आप इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए और इसे क्रीमी बनाइए। तो आप देख सकते हैं सारी चीनी और सारा मक्खन इसमें मैंने डाल दिया है। अब इसे मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। इसी तरह चला चला के इसे आपको क्रीमी बनाना है और इसमें हवा भरनी है। तो आप देख सकते हैं 10 से 15 मिनट तक चलाने के बाद ये कितना क्रीमी बन गया है और इसमें अब अच्छी तरीके से हवा भर गई है। तो अब ये अच्छी तरीके से क्रीमी बन चुका है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी ये मैदा। थोड़ा थोड़ा मैदा डाल के आपको इसे मिक्स करते रहना है, एक साथ सारा मैदा आपको नहीं डालना है। इसमें मैं डाल रही हूँ ये 1/2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। अच्छी तरीके से इसे आप मिक्स कर लीजिए।
तो आप देख सकते हैं सारा मैदा डालने के बाद अभी अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अब इसमें मैं डालूंगी ये चारों अंडे, तो अंडे डाल के आपको अच्छी तरीके से इसे मिक्स करना है। तो आप देख सकते हैं चारों अंडे डाल के मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब ज़्यादा नहीं चलाना आपको, बस इसे मिक्स ही करना है। थोड़ा सा इसमें मैं डाल रही हूँ ये वेनिला एसेंस। इसके बाद मैं लास्ट में डाल रही हूँ ये टूटी फ्रूटी और बादाम। अब सारी टूटी फ्रूटी और बादाम डाल के मैं इसे मिक्स कर लूंगी। लास्ट में हमें इस तरीके से करना है कट और फोल्ड, कट और फोल्ड, इस तरीके से आपको उसको मिक्स करना है। तो आप देख सकते हैं टूटी फ्रूटी और बादाम अब इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो गए हैं। तो मैं केक मोल्ड को अच्छी तरीके से मक्खन से ग्रीस कर लूँगी। तो चारों तरफ आपको अच्छी तरीके से मक्खन लगाना है। अब इसमें मैं थोड़ा सा मैदा डालकर इसे भी चारों तरफ अच्छी तरीके से कोट कर लूँगी। अगर आपको ये वाला मेथड नहीं करना तो आप बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। अब चारों तरफ मैदा लगाकर आप इसे बस झाड़ लीजिए। इसके बाद मैं डाल रही हूँ ये केक का बैटर। आप देख सकते हैं किस तरीके से इसको हमें डालना है। सारा बैटर आपको बीच में ही डालना है, साइडों में नहीं चिपकाना है।
इसे अच्छी तरीके से फिनिश और सेट करने के लिए आपको हाथों से ही ऐसे टैप टैप करना है, चमचा या किसी और चीज़ का यूज़ नहीं करना है। तो आइए अब इसे हम बेक करते हैं। तो ओवन को मैंने 15 मिनट पहले ही प्री हीट कर लिया था। अब 180 डिग्री पर इसे मैं बेक करूंगी और 40 मिनट का मैंने इसमें टाइम सेट कर लिया है। तो केक के बैटर को अब इसमें मैं डाल दूंगी। मैंने 40 मिनट का टाइमर लगा दिया है। तो आप देख सकते हैं केक थोड़ा थोड़ा बेक हो रहा है, पर 40 मिनट का टाइमर मैंने लगाया है, तब इसे हम बेक होने देते हैं। तो आप देख सकते हैं लगभग हमारा केक अब बनकर तैयार है। 40 मिनट्स भी होने वाले हैं, तो अब 40 मिनट्स के बाद मैं इसको निकालूंगी। तो आप देख सकते हैं हमारा केक कितनी अच्छी तरीके से बेक हुआ है। अब 5 मिनट तक इसको मैं इसी तरीके से ठंडा होने के लिए रखती हूँ। तो 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं मेरा केक बिल्कुल बनकर तैयार है। आपको देखने में ही कितना स्पॉन्जी लग रहा है। तो आप देख सकते हैं 40 मिनट में केक बनकर बिल्कुल तैयार है, कितना स्पॉन्जी बना है ये आप खुद ही देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा केक बना है। तो आप भी इसे मेरी आसान रेसिपी से घर पर बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं। तो आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो और या मेरे चैनल पे नए हो तो उससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, और घर पर इसको ज़रूर ट्राई करें।